नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हमने आपके लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है और श्रृंखला का नाम है अनुवाद। अनुवाद इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने अभी तक आपके लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स आयोजित किए हैं। आज के इस सेशन में भी हम अनुवाद से जुड़े एक विषय पर बात करेंगे और आज का विषय है कोश विज्ञान और अनुवाद। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और आप सबको बताना चाहेंगे कि ये भारतीय अनुवाद परिषद के निदेशक भी हैं। तो हमें इस बात से अनुभूति होती है कि ये हमारे लिए बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं इस लाइव रिसेट लेक्चर के माध्यम से। तो आइए इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और अनुवाद इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर टंडन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मित्रों, अनुवाद पर हम बातचीत कर रहे हैं और अनुवाद, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में जो सूचना का और संचार का युग है, उसमें अनुवाद की प्रासंगिकता, जो रेलेवेंस है ट्रांसलेशन की, वो लगातार बढ़ रही है। ये पूरे इतिहास पर अगर दृष्टि डालें तो अनुवाद जहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, वहाँ से आज तक हम देख सकते हैं कि अनुवाद के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है और लगातार इस दिशा में काम चल रहा है। कुछ संस्थागत स्तर पर चल रहा है, कुछ व्यक्तिगत स्तर पर चल रहा है, कुछ रोजगार से जुड़ा हुआ क्षेत्र विकसित हो रहा है अनुवाद के लिए, और फिर इसी तरह सिनेमा के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, और विज्ञान के और तकनीक के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र विकसित होते जा रहे हैं और अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी रचनात्मक होती चली जा रही है। विशेष रूप से जो युवा वर्ग है, विद्यार्थी हैं, जो भाषा के और साहित्य के माध्यम से, चाहे वो भारतीय भाषाओं की दृष्टि से उपाधि लिए हुए हैं या ले रहे हैं, और या फिर अन्य विदेशी भाषाओं की दृष्टि से हम बात करें, तो निश्चित रूप से उन सब के लिए अनुवाद बहुत एक कारगर विषय और अनुशासन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और इस अनुवाद को करते समय हमें जिन जिन उपकरणों की, साधनों की ज़रूरत पड़ती है, उनमें बहुत सारे उपकरणों, साधनों पर हमने पहले चर्चा की है कि क्या क्या चाहिए। उसमें सहायक सामग्री के रूप में, साधनों के रूप में हमें डिक्शनरियाँ चाहिए, शब्दावलियाँ चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए। फिर इस सब के साथ साथ हमें तमाम तरह की जो संदर्भ पुस्तिकाएं हैं वह भी चाहिए। शोध परक जो ग्रंथ हैं उनको भी हम उपयोग में लाने की कोशिश करते हैं, आदि आदि। तो उसी श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे लेक्सिकोग्राफी एंड ट्रांसलेशन पर। लेक्सिकोग्राफी दरअसल जो कोश विज्ञान है उसको लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। कोश, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि दो प्रकार के कोश होते हैं, एक तो धन का कोश होता है जिससे कोषाध्यक्ष शब्द हमने हिंदी में बनाया भी है, पारिभाषिक शब्द ट्रेजरर के लिए, या कोश को रखने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए। और एक कोश होता है शब्दों का संग्रह, संचय, लेकिन वो केवल शब्दों का संग्रह मात्र नहीं होता, उसकी एक अपनी व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के अंतर्गत कोश का निर्माण होता है, इसलिए जितने प्रकार के कोश होते हैं उतनी प्रकार की व्यवस्था उसके साथ जुड़ती चली जाती है। हालांकि कोश निर्माण के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो कमोबेश सब जगह एक से काम करते हैं, लेकिन क्योंकि कोश के स्वरूप पर, कोश के प्रयोजन पर, कोश के लक्ष्य पर निर्धारित होता है कि हम कैसा कोश बनाना चाहते हैं, कौन सा कोश बनाना चाहते हैं, किसके लिए बनाना चाहते हैं, फिर उसकी प्रविधि और उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी रहती हैं। तो कोश जो है उसको बनाने की कला, जिसको हम कोश कला भी कहते हैं, और कोशों को तैयार करने या करवाने की प्रविधि का अनुपालन करते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से जो पद्धति अपनाई जाती है उसको कोश विज्ञान के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। तो यह जो लेक्सिकोग्राफी है, कोश विज्ञान है, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इधर
कंप्यूटर के आगमन पर, जब से कंप्यूटर आया और कंप्यूटर ने हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में विशेष रूप से बहुत ही उल्लेखनीय सराहनीय कार्य इस क्षेत्र में हुआ। कंप्यूटर की भूमिका बड़ी रचनात्मक हो गई। निश्चित रूप से उसमें भाषाविद, अनुवादविद या जो शब्द ज्ञान रखने वाले विद्वान लोग हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा उल्लेखनीय काम किया है। क्योंकि यदि वो इस दिशा में शब्दों की साधना न करते तो शायद उस तरह का रचनात्मक काम न हो पाता। आश्चर्य की बात यह है कि कंप्यूटर से पहले हमारे पास जो कोश थे या कोशों की संख्या थी वो तुलना में बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि कोश बनाना अपने आप में बहुत कठिन काम है, वो एक व्यक्ति का सामान्यतः काम नहीं होता। हालांकि व्यक्ति के स्तर पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कोश, मानक कोश, बृहत कोश हमें प्राप्त हुए हैं और हम ऐसे भाषाविदों, ऐसे शब्द साधकों का उपकार भी मानते हैं। लेकिन कोश विज्ञान को कंप्यूटर ने जितना आधुनिक और उत्तर आधुनिक बनाया, उसमें अपनी बड़ी रचनात्मक भूमिका निभाई, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है, सराहनीय है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य के स्तर पर कार्ड बना बना कर एक एक शब्द, फिर उसका अर्थ, फिर उसकी व्याकरणिक कोटि आदि लिखकर वो सारा काम किया जाता था, फिर उनको वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करना, अरेंज करना, ये भी एक बड़ी चुनौती होती थी। क्योंकि जो वर्ण का क्रम है, फिर मात्रा आदि का क्रम है, फिर शब्द का जो विन्यास है या गठन है, उसके आधार पर उसकी स्थिति है, ये सब निर्धारित करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। तो इस दृष्टि से निश्चित ही कंप्यूटर ने कमांड के साथ इन चीज़ों को नियंत्रित किया है और कोश बनाने वाला जो समूह है, जो वर्ग है, जो विद्वत वर्ग है, उनको इससे काफ़ी मदद भी मिली है। कुछ कोशकार तो स्वयं सीधे कंप्यूटर पर बैठकर ही कोश का कार्य करते हैं और कुछ जो मैन्युअली उसको तैयार कर लेते हैं, फिर उसको वो कंप्यूटर पर फीड करवाते हैं विशेषज्ञ द्वारा। जो कंप्यूटर टंकक होता है या कंप्यूटर विशेषज्ञ होता है, वे उनको टाइप करके फिर उनको अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है। तो काफ़ी हद तक कंप्यूटर के क्षेत्र में, यानी लेक्सिकोग्राफी और कंप्यूटर, इनका एक अंतः संबंध बना है। इस दृष्टि से मित्रों, जब हम बात कोश विज्ञान की करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम ये जान सकते हैं कि कोशों ने इस क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय, बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है और हम उस काम की अनदेखी नहीं कर सकते। लेकिन कोशों के प्रकारों पर जब हम बात करते हैं कि कोश कितने प्रकार के हैं जो लेक्सिकोग्राफी के माध्यम से हमारे समक्ष आते हैं, तो हमने पिछली बार पिछले व्याख्यान में कभी चर्चा यह की थी कि भाषिक कोश और भाषेतर कोश, ये दो प्रकार के कोश होते हैं। लेकिन इन कोशों के अंतर्गत भी जो वैविध्य है, जो कोशों के प्रकारों का एक बृहत वर्ग है, समूह है, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा जरूर कर लें। क्योंकि सब अनुवाद के साथ इन कोशों को जब हम जोड़कर देखते हैं तो फिर इन सब का संबंध बड़ा अटूट, बड़ा अभिन्न संबंध दिखाई पड़ता है। जैसे यदि मैं यह कहूँ कि जो भाषिक कोश हैं, वो तो वो हैं जिनके मूल में या केंद्र में भाषा कहीं ना कहीं रहती है। वो एक भाषा का कोश हो सकता है, दो भाषाओं के कोश हो सकते हैं, बहुत सारी भाषाओं के, अनेक भाषाओं के, ट्राइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, इस तरह के कोश भी होते हैं। फिर वर्णनात्मक कोश, ऐतिहासिक कोश, तुलनात्मक कोश, इनकी चर्चा हमने पहले की थी, उच्चारण कोश, व्युत्पत्ति कोश, पर्याय कोश, मुहावरा कोश, लोगोक्ति कोश, फिर इसी तरह से विलोम कोश, अनेकार्थी कोश, ये सारे पारिभाषिक कोश, ये सारे कोशों की एक दुनिया है जो भाषिक कोश हैं। लेकिन जो भाषेतर कोश हैं, वो भाषेतर कोश, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यक्ति को केंद्र में रखकर या रचना को केंद्र में, यानी रचना या रचनाकार, इनको केंद्र में रखकर जो कोश बनते हैं वो भाषेतर कोश कहलाते हैं। और विश्व कोश, जिनको हम एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, वो भी भाषेतर कोशों के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। तो ऐसे कोशों में हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी दुनिया हमें देखने को मिलती है कोशों की। जो एक भाषिक कोश हैं, वो संस्कृत से आज तक, अगर हम इतिहास देखें पूरा, तो भारत में
कोष निर्माण की कमी नहीं रही, लेकिन जिस बृहत स्तर पर, जिस युद्ध स्तर पर कोष बनने चाहिए थे वो नहीं बन पाए थे। इसलिए जब हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, भाषा के अनुप्रयोग की बात करते हैं, हिंदी के कार्यान्वयन की, संस्कृत के कार्यान्वयन की, भारतीय भाषाओं के कार्यान्वयन की बात करते हैं, तो हमें कहीं ये कमी दिखाई देती है कि उस स्तर पर उस रूप में कोश निर्माण नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था, क्योंकि कोश बनाना अपने आप में बहुत कठिन दुष्कर कार्य है। तो एक भाषिक कोश जो किसी एक भाषा को, यानी हिंदी हिंदी या अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी या संस्कृत संस्कृत, इस तरह के जो कोश हैं वो एक भाषिक कोश हैं, और ऐसे कई कोश हमें देखने को मिलते रहे हैं। द्विभाषिक कोश में जहाँ अंग्रेज़ी हिंदी या हिंदी अंग्रेज़ी या संस्कृत अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी संस्कृत, या इसी प्रकार से संस्कृत हिंदी और हिंदी संस्कृत, फिर विदेशी भाषाओं के साथ भी एक भाषा अगर भारतीय किसी एक भाषा के साथ जुड़ जाए, तो जैसे रशियन हिंदी या हिंदी रशियन, इस तरह की डिक्शनरीज, इस तरह की के शब्दकोश, इनके बनाने की भी एक परंपरा रही है। पर इस क्षेत्र में भी जितने कोश बनने चाहिए थे भारतीय स्तर पर, स्वदेशी स्तर पर, उतने नहीं बन पाए, नहीं, स्थिति संतोषजनक नहीं थी। अब इस दिशा में बहुत काम हुआ, और पहले बहुत विरले मानक कोशों का हम उल्लेख करते थे, लेकिन अब सरकारी गैर सरकारी स्तर पर जो निजी प्रकाशक हैं उन्होंने बहुत सारे कोश निर्माण किए हैं, भारत सरकार की कई संस्थाओं ने बहुत सारे कोश बनाए हैं, कुछ विश्वविद्यालयों में भी कोश बने हैं। तो ये द्विभाषी कोश भी बनाने का सिलसिला लगातार चलता रहा, और ये द्विभाषी कोश अपने आप में अनुवाद के लिए बहुत ही कारगर, बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, और इसीलिए लगातार इस क्षेत्र में कोश निर्माण चल रहा है आज भी। बहुभाषी कोश, इसमें बहुत सारी भाषाओं को मिलाकर, यानी जो एक भाषा है उसके साथ फिर दो या तीन या चार या पांच भाषाओं में उनके समतुल्य देने की परंपरा, ये भी इस बहुभाषी कोशों में कहीं ना कहीं शामिल की गई। तो यह भी एक प्रकार है कोशों का, जिसको हमने बड़े महत्वपूर्ण रूप में अनुवाद के साथ जोड़कर देखा है। वर्णनात्मक कोश, जहाँ पर किसी शब्द विशेष का अर्थ दिया जा रहा है, फिर उससे संबद्ध यदि कोई सूचना है, कोई उद्धरण है, कोई कथा कहानी है, कोई घटना है, उसका विवरण भी उसके साथ दिया जाता है। यानी यह जो कोश होता है, यह उस काल विशेष के शब्दों की जो वर्णनात्मकता है, उसकी जो, उसका जो विकास क्रम है, उसका उल्लेख भी उसके साथ करता चलता है। इसी तरह ऐतिहासिक कोश भी है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हैं, उस तरह के कोशों का निर्माण भी हमारे यहाँ हुआ है। हालांकि तुलना में कम हुआ, लेकिन हुआ है, और इनका उपयोग भी अनुवादक को समय समय पर अपेक्षा अनुसार करना पड़ता है। तुलनात्मक कोश, इसमें जो वैयाकरणिक व्यवस्था है दोनों भाषाओं की, जिसको हम अनुवाद में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा कहते हैं, जिस भाषा से अनुवाद करते हैं वो स्रोत भाषा है, जिस भाषा में अनुवाद करते हैं वह लक्ष्य भाषा है। तो अगर कोश अंग्रेजी से हिंदी है तो अंग्रेजी स्रोत भाषा है और हिंदी लक्ष्य भाषा है। अब यदि कोश में देखें तो केवल शब्द का अर्थ नहीं देते, उस शब्द की कहीं ना कहीं अपेक्षा अनुसार वैयाकरणिक कोटियों को भी स्पष्ट करना होता है। उस शब्द का रूट क्या है, उसकी यात्रा क्या है, उस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, संरचना कैसे बनी है, उसमें प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, उसकी धातु क्या है, इस तरह से उसके क्रमिक जो वैयाकरणिक विकास है उसको भी, पहले ये संस्कृत में किस रूप में था, पाली में, प्राकृत में किस रूप में था, फिर हिंदी में आते आते इसका रूप कैसे बदल गया, इसका भी उल्लेख उसमें किया जाता है। वो स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है, वो एक वचन है कि बहुवचन है, ये सारे उसमें लेक्सिकोग्राफी में इन सारी चीज़ों को, इन सारी वैयाकरणिक कोटियों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उनका उल्लेख कोश आदि में किया जाता है। तो ये जो तुलनात्मक कोश हैं, हिंदी अंग्रेजी पारिभाषिक कोश भी तुलनात्मक होते हैं, या
हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तुलनात्मक होते हैं, उनमें कंपैरेटिव स्टडी साथ साथ चलती है कि ये इन दोनों में ये अंतर है, ये साम्य है, ये वैषम्य है, ताकि उसका जो प्रयोक्ता है, उसका जो जो प्रयोग करने वाला भाषाविद है, वो इन सारी चीज़ों को जान ले। उच्चारण कोश, ये भी अनुवाद में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हमें देश विदेश के शब्दों का, क्षेत्रीय शब्दों का उच्चारण नहीं पता होता, तो वह उच्चारणिक जो उच्चारण की दृष्टि से उस शब्द का संधि करके या विच्छेद करके किस रूप में प्रयोग किया गया, वो कैसे बना, इन सब का उल्लेख भी उसके माध्यम से किया जाता है। और व्युत्पत्ति कोश भी होते हैं, यानी कोई कोश बना कैसे, उसकी उसका रूट क्या है, उसकी मूलभूत जो आधार भूमि है, आधारशिला है, वो क्या है, और वो कैसे विकसित होता होता यहाँ तक आया है, उसकी पूरी विकास यात्रा क्या है। क्योंकि अनेक बार अनुवादक को शब्द की व्युत्पत्ति भी देखनी होती है, कभी कोई संशय हो तो उसका निवारण व्युत्पत्ति कोश आदि से होता है, तो व्युत्पत्ति कोश इसमें बहुत कारगर भूमिका निभाता है। ऐसी डिक्शनरियाँ, ऐसे शब्दकोश हमारे यहाँ कम तुलना में बहुत कम बन पाए हैं, लेकिन अब इस दिशा में भी रचनात्मक यत्न होने लगे हैं, प्रयास होने लगे हैं, व्यक्तिगत और सरकारी या संस्था के स्तर पर, गैर सरकारी और सरकारी संस्था के स्तर पर इस दिशा में काम चल रहा है। इसी तरह पर्याय कोश भी, जैसे पर्यायवाची कोश जिसको हम कहते हैं, उनका निर्माण भी कंप्यूटर के आगमन के बाद बहुत तेज़ी से हुआ है। बृहत पर्यायवाची कोश या पर्यायवाची कोश या हिंदी पर्याय कोश, इस तरह के कोश भी अब मिलने लगे हैं, तो उसने भी निश्चित रूप से अनुवादकों के लिए एक बड़ी रचनात्मक और सहायता करने वाली भूमिका तैयार की है। इसी तरह विलोम कोश भी है, शब्दों के विलोम, कभी कभी शब्द के सही अर्थ तक पहुंचने के लिए उसके विलोम के पास भी जाना पड़ता है, हमें पता लगे कि इसका विलोम क्या है, और विलोम से फिर हम उस अवधारणा को, उसके अभीष्ट अर्थ को ग्रहण करने में कारगर हो जाती है हमारी भूमिका। तो विलोम कोश, अनेकार्थी कोश, क्योंकि एक ही शब्द के कई कई अर्थ भी होते हैं, अनेकार्थी, तो हम अनुवाद करते समय यह भी देखते हैं कि किस अर्थ को कहाँ पर ग्रहण करना है, क्यों ग्रहण करना है और क्यों ग्रहण नहीं करना है, ये सारे तर्क, ये सारे कारण हम अनुवाद करते समय ढूंढ लेते हैं। तो जो पर्याय कोश हैं, वो वास्तव में हमें यह बताते हैं कि इस मूल शब्द के हिंदी में इतने पर्याय हैं, या हिंदी से अंग्रेजी में इतने पर्याय उपलब्ध हैं। अब हमें देखना यह होता है कि इनमें से सटीक चयन पर्याय का हम कैसे करें, जिसको हम appropriate selection of the word in translation, इस तरह की बात जब हम करते हैं तो इसको हम कहते हैं अनुवाद में शब्दों के जंगल में से जो उपयुक्त, जो सटीक, जो सार्थक शब्द चयन है वो कैसे करें, इसकी समझ हमें मिल जाती है। तो ये तो ठीक है कि शब्द चयन का आधार अनुवादक का अनुभव होता है, शब्द चयन का आधार अनुवादक का अभ्यास भी होता है, लेकिन जब तक ये लेक्सिकोग्राफी इस तरह की साधनात्मक सामग्री हमें उपलब्ध नहीं कराती, तब तक हम वो काम ठीक से भली भांति या मानक रूप में, प्रामाणिक रूप में नहीं कर पाते। तो यह भी एक प्रकार है कोशों का, लेक्सिकोग्राफी का एक हिस्सा है। इसी तरह मुहावरे और लोकोक्तियों के कोश भी हमें मिलते हैं। मुहावरे लोकोक्ति के कोश भी एक भाषी भी होते हैं, द्विभाषी भी होते हैं, बाइलिंगुअल भी होते हैं और मल्टीलिंगुअल भी होते हैं। एक मुहावरा अंग्रेजी का, उसके लिए हिंदी में क्या प्रयोग है, समतुल्य है, इसी तरह तमिल में क्या है, तेलुगु में क्या है, गुजराती में, मराठी में, बंगला में, ये भी हम देख सकते हैं। कहीं कहीं समानता है, कहीं कुछ विषमता है, कहीं भिन्नता भी है। तो ये जो मुहावरे और लोकोक्ति कोश हैं, ये भी बहुत तरह तरह के समय समय पर बनते रहे हैं और इनमें भी बहुत काम हुआ है, बल्कि बायलिंगुअल भी ये मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश बने हैं, बृहत आकार के भी बने हैं, और अब सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर इस क्षेत्र में भी बहुत काम हो रहा है, क्योंकि मुहावरा लोकोक्ति भी पूरी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसका बोध कराते हैं। कोई भी रचनाकार किसी मुहावरे का, किसी लोकोक्ति का प्रयोग जब करता है तो उसके साथ उसका पूरा सांस्कृतिक परिवेश जुड़ा हुआ होता है।
तो अनुवादक को उस सांस्कृतिक परिवेश की जब तक वस्तु स्थिति ज्ञात नहीं होगी, ठीक से उसके बारे में वो जानकारी हासिल नहीं कर पाएगा, तो अनुवाद करते हुए वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इस तरह के कोशों की मदद भी अनुवाद में लेते हैं। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि पारिभाषिक कोश भी होते हैं। पारिभाषिक कोश से अभिप्राय यह है कि मान लीजिए एक शब्द अवधारणात्मक दिया, तो अवधारणात्मक शब्दों की विशेषता यह होती है, जिनको हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं, कि उनका कोई एक अर्थ नहीं होता। उनकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उन शब्दों को परिभाषित करना पड़ता है, यानी उसकी एक परिभाषा विशेष देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि दूरदर्शन, तो दूरदर्शन शब्द जो टेलीविज़न के लिए हिंदी में मानक पारिभाषिक शब्द है, उसका अर्थ अगर समझाना हो तो कोई हिंदी का दूसरा शब्द उसकी जगह अर्थ के रूप में नहीं आ सकता, कोई पर्याय उसका नहीं आ सकता। ऐसे में हमें बताना पड़ेगा कि एक ऐसा विद्युतीय उपकरण जिसके माध्यम से हम दूर दराज में बैठकर, घर में या ऑफिस में, कार्यालय में बैठकर, हम देश विदेश के घटनाक्रमों को, व्यक्तियों को, स्थितियों को, परिवेश को, वातावरण को देख भी सकते हैं और उससे संबंधित, उससे जुड़ी हुई खबरों को, जानकारियों को हासिल भी कर सकते हैं। तो ये उसकी एक परिभाषा है पूरी। तो दूरदर्शन को किसी एक शब्द से उसका अर्थ हम नहीं जान पाते। तो पारिभाषिक शब्द या अवधारणात्मक शब्द जो होता है, यह उसका वैशिष्ट्य होता है, उसकी विशेषता होती है कि वह परिभाषा से ही बोधगम्य होता है, समझ में आता है। तो इस तरह के पारिभाषिक कोश भी बन रहे हैं, पहले काफ़ी बने हैं और अब इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, रचनात्मक प्रयास चल रहा है। अंग्रेज़ी हिंदी पारिभाषिक कोश भी हैं, फिर अंग्रेज़ी बंगला और बंगला हिंदी पारिभाषिक कोश भी हैं, फिर रूसी अंग्रेज़ी, जर्मनी, स्पेनिश आदि के पारिभाषिक कोश भी हैं। इस क्षेत्र में भी काफ़ी काम सरकारी गैर सरकारी स्तर पर हुआ है। तो ये जो कोशों के प्रकार हैं, जो भाषिक प्रकार हैं, ये लेक्सिकोग्राफी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जब हम भाषेतर कोशों की बात करते हैं, तो व्यक्ति, रचना या रचनाकार, इसको केंद्र में रखकर जो कोश बनते हैं उनको हम इस तरह की श्रेणी में या वर्ग में रखते हैं। जैसे ब्रजभाषा सूर कोश, जैसे प्रसाद साहित्य कोश, जैसे तुलसी साहित्य कोश। तो तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं, उन समस्त रचनाओं में जो शब्द प्रयोग हुए हैं, उन शब्दों के वर्ण क्रमानुसार व्याकरणिक कोटियों के आधार पर या साथ में अर्थ देते हुए उनके प्रयोग संदर्भ भी दिए जाते हैं कि ये शब्द किस रचना में, किस पृष्ठ पर, किस छंद में प्रयुक्त हुआ है, ये उल्लेख भी उनमें कर दिया जाता है। तो ऐसे आधुनिक और मध्यकालीन और प्राचीन साहित्य के साहित्यकारों के बहुत सारे कोश बने हैं। इस दिशा में भी अभी बहुत गुंजाइश बाकी है, बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि यह एक बड़ा क्षेत्र है और हम देख सकते हैं कि ऐसे कोश भी अनुवाद के लिए, अनुवादकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। और जहाँ तक बात है विश्वकोश की, जिसको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, ये नागरी प्रचारणी सभा जो है उसने हिंदी का पहला बड़ा महत्वपूर्ण अनेक खंडों में एक विश्वकोश बनाया था, हिंदी विश्वकोश। उसके बाद फिर इस दिशा में दूसरे अन्य विश्वकोश भी बने हैं, लेकिन यह भी वो एक क्षेत्र है जो अभी बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है। अगर भाषाविद, अनुवादविद, शब्द साधना करने वाले जो साधक हैं इस फील्ड में, इस क्षेत्र में यदि काम करें, तो अनुवाद के लिए, अनुवादकों के लिए बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। यह भी हमें देखने की ज़रूरत है। अब जब हम लेक्सिकोग्राफी में उसके निर्माण की कल्पना करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वह जो लेक्सिकोग्राफी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण चरण हैं, दो तीन चार। पहला चरण सबसे वह है सामग्री संकलन। कोई भी व्यक्ति यदि कोश बनाने जाता है या कोई संस्था कोश बनाना चाहती है, तो उसके लिए उन्हें बहुत सारी सामग्री का संकलन करना होता है। उसके तरीके ये हैं कि जो कोश को यदि अधुनातन बनाना है, तो पाठ्य पुस्तकों से, पत्र पत्रिकाओं से, जो नई शब्दावली आ रही है,
जो अद्यतन और अधुनातन शब्द आ रहे हैं प्रयोग में, उनको वहाँ से एकत्रित किया जाता है, चयनित किया जाता है, उन किताबों से, उन अखबारों से, उन पत्रिकाओं से, मीडिया के साधनों से या शोध आदि पत्रों से ऐसी शब्दावली को निकाला जाता है, चयन किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, फिर उनको वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है, फिर उनकी सारी व्याकरणिक कोटियाँ या स्थितियाँ उनको भी देखा जाता है। इस तरह से बहुत सारे रचनाकार, कवि, साहित्यकार, गीतकार, जो प्रवृत्तियों से जुड़े हुए लोग हैं, धाराओं से जुड़े हुए लोग हैं, सिनेमा के शब्द हैं, इन सारे, ताकि जो अद्यतन जानकारियां हैं कोश में वो आ सकें, तो अपडेशन डिक्शनरी का इससे होता है। इस तरह फिर हम देख सकते हैं कि उन प्रविष्टियों की संरचना क्या है, उसका भी हम ध्यान रखते हैं कि वो जो प्रविष्टियां कोश में होंगी, जिन शब्दों को हम कोश में डालेंगे, उनका गठन कैसे हुआ, उनकी संरचना कैसे बनी, इन सब का भी ध्यान रखा जाता है। और फिर वर्तनी, कोश के अंतर्गत हम वर्तनी का भी ध्यान रखते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। क्रम निर्धारण, उनका जो वर्ण क्रमानुसार निर्धारण होता है, उनका भी ध्यान रखते हैं। उच्चारण आदि का भी ध्यान रखते हैं, व्याकरणिक कोटियों आदि का भी ध्यान रखते हैं, और उसकी व्युत्पत्ति का भी ध्यान रखते हैं, अर्थ निर्धारण और उसकी पद्धति का भी ध्यान रखते हैं कि हम जब शब्दों के अर्थ निर्धारित करें तो उसका आधार क्या हो। कभी कभी कोशों में हम चित्रों का, आरेखों का, ग्राफ्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो लेक्सिकोग्राफी है, जो कोश विज्ञान है, कोश कला है, ये एक बड़ा अनुशासन है, बड़ा क्षेत्र है, और इस दिशा में जो काम हुए हैं वो बहुत सराहनीय हैं। अभी बहुत से क्षेत्र रिक्त हैं, बाकी हैं, उनमें भी काम चल रहा है। निश्चित ही अनुवाद में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, आगे हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, आप सबका एडुसेट की लाइव लेक्चर श्रृंखला में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुवाद और कोश विज्ञान के अंतः संबंध पर, दोनों में क्या संबंध बनता है, और अनुवादक को अनुवाद करते समय जब कोशों का उपयोग करना हो तो कोश देखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। एक तरह से कोश देखने की भी एक कला है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी में जो वर्णमाला में 26 वर्ण हैं और उनके क्रम के हिसाब से हम कोश देख लेते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी के कोश देखने की भी बहुत सारे विद्यार्थियों को, अनुवादकों को कठिनाई होती है, अभ्यास नहीं होता है, उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि उसका क्रम क्या है। तो उसका भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। विशेष रूप से हिंदी में अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि हमारी वर्णमाला में संख्या स्वरों और व्यंजनों की ज़्यादा है, और जो मात्राओं का
भेद है उसके आधार पर भी कठिनाई होती है, अनुस्वार, अनुनासिक और फिर अर्धवर्ण जहाँ पर होता है वहाँ पर कठिनाई आती है, उसकी प्लेसमेंट कैसे हो, और हमारे यहाँ कोश निर्माण का एक क्रम भी निश्चित है जो थोड़ा संस्कृत से अलग है, इसलिए कभी कभी अनुवादकों को हिंदी के कोश देखने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो मित्रों, दरअसल कोश विज्ञान जो है वह अपने आप में एक साइंस है, और साइंस में सब कुछ हम जानते हैं कि तार्किक होता है, व्यवस्थित होता है, क्रमानुसार होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ होती है तो वहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो कोश विज्ञान के विषय में हमने पिछली बार थोड़ी चर्चा की थी। अगर कोश विज्ञान क्या है इस पर मैं एक भाषाविद हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, उनकी एक परिभाषा उल्लिखित करूं तो बात थोड़ी और स्पष्ट होगी। उन्होंने लिखा कि कोश विज्ञान के अंतर्गत समस्त सैद्धांतिक चिंतन समाविष्ट रहता है, और फिर लिखते हैं सामग्री संकलन, प्रविष्टियों को विशेषकर मुख्य और गौण प्रविष्टि के रूप में उनका चयन करके उनको प्रस्तुत करना, उनकी व्युत्पत्ति पर विचार करना, उनके उच्चारण वैयाकरणिक इकाइयों का चयन करना, पर्याय शब्दों का संकलन करना, व्याख्यात्मक शब्दों का संकलन करना, चित्र या ग्राफ या विधान आदि का निर्धारण करना, उद्धरण आदि का संकलन करना, ये सब कुछ निश्चित रूप से एक निर्णय के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करते हुए उसे प्रस्तुत करना, ये पूरा कोश विज्ञान का ही कार्य है। तो कोश विज्ञान उस तरह से बहुत गंभीर, बहुत दायित्वपूर्ण कार्य है, यह कोई सरल कार्य नहीं है, और इसको हम भाषा विज्ञान बल्कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक, जिसको हम कहते हैं अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, उसका एक हिस्सा या उसका एक पार्ट इस रूप में भी देखते हैं। इसलिए अनुप्रयुक्त रूप भाषा का अगर देखना है तो वो कोश विज्ञान में, कोश कला में या लेक्सिकोग्राफी में हम देख सकते हैं। इसको भाषा विज्ञान का ही एक विस्तार भी मानते हैं, और इसीलिए जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कोटियाँ होती हैं उनका ध्वनि रूप, शब्द रूप, पद, वाक्य, प्रोक्ति और उसकी सामाजिकता, उसकी शैली, इन सब का विचार हमें कोश विज्ञान के अंतर्गत शब्दों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हुए करना होता है। तो जैसे भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन के जो भी माध्यम और तरीके होते हैं उन सब का उपयोग हमें कोश विज्ञान बनाते हुए कोश विज्ञान में शब्दों के दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से, उच्चारण आदि की दृष्टि से, यह इस सब का ध्यान हमें वहाँ पर रखना होता है। और जहाँ तक बात अनुवाद की है तो हम जानते हैं कि अनुवाद जो है वह दो संस्कृतियों के बीच, क्योंकि भाषा जो होती है वो संस्कृति की वाहिका होती है, और अनुवाद में एक नहीं दो दो भाषाएं होती हैं, इन दोनों भाषाओं के साथ जो शब्द संपदा है, क्योंकि शब्द जो होता है वो उस संस्कृति विशेष की अर्थ छटा को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। हम कोई भी शब्द अगर किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह शब्द अपने आप में उस संस्कृति की जो उसकी जो धरोहर है, उसकी जो परंपरा है, उसका प्रतिबिंबन उस शब्द के माध्यम से होता है। तो अनुवाद में वस्तुतः यह एक सेतु का, एक ब्रिज बनाने का काम हम देख सकते हैं, दो भाषाओं की शब्दावली के माध्यम से, दो भाषाओं की व्याकरणिक व्यवस्था के माध्यम से हम आदान प्रदान करते हैं, अंतरण करते हैं, तो इस रूप में वह काम होता है। एक बड़े प्रतिष्ठित विद्वान भाषा के क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में, साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने अनुवाद के संदर्भ में उसकी अवधारणात्मकता को स्पष्ट करते हुए लिखा है, वो कहते हैं कि निकटतम पर्याय शब्दावली और वाक्य विन्यास के द्वारा स्रोत भाषा के मूल पाठ को समग्र रूप में, अर्थात उसके संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय
तथा रूप बंध आदि की यथा संभव रक्षा करते हुए लक्ष्य भाषा में प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। तो अनुवाद भी एक कला है और अनुवाद एक विज्ञान भी है, अनुवाद एक शिल्प भी है और अनुवाद एक शास्त्र भी है। तो जिस विधा के साथ इतने सारे वैशिष्ट्य जुड़ जाएं कि वह कला भी है, विज्ञान भी है, शिल्प भी है और शास्त्र भी है। इधर लेक्सिकोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो कोश बनाना एक कला भी है, एक एक विज्ञान भी है। तो इन दोनों में फिर एक अंतर संबंध इस दृष्टि से बनता है क्योंकि दोनों के अंतर्गत शब्दों का एक तरह से अध्ययन होता है, प्रयोग धर्मिता सुनिश्चित होती है, उनकी व्याकरणिक या संरचनात्मक कोटियाँ उनको देखा जाता है, फिर उनकी अर्थव्याप्ति पर विचार होता है कि ये शब्द कहाँ प्रयोग होगा, क्यों प्रयोग होगा, इसके प्रयोग गलत प्रयोग से क्या इम्पैक्ट या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत फिर हम शामिल करते हैं। इसलिए अनुवाद भी एक भाषिक प्रक्रिया है और कोश निर्माण भी एक भाषिक प्रक्रिया है। इस दृष्टि से दोनों में एक गहन अंतः संबंध बन जाता है। हम देखते हैं कि जो कोश है वह अनुवाद का एक उपकरण है, उसका एक साधन है, और कोशों के प्रयोग की कला यानी उन उपकरणों को कैसे प्रयोग में लाया जाए इसकी शिक्षा, यह लेक्सिकोग्राफी का एक हिस्सा है। इसका अर्थ है कि अनुवादक को केवल कोश उठाकर खोल नहीं लेना चाहिए बल्कि यह भी जानना चाहिए कि इस कोश का निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर हुआ, या मुझे यदि किसी शब्द विशेष के साथ इस प्रकार की जानकारियां चाहिए, उसकी व्याकरणिक व्यवस्था, संरचनात्मक कोटियां आदि चाहिए, तो मुझे कौन से कोश के पास जाना चाहिए। ये तभी ज्ञात होगा जब वह कोश का उपयोग करने से पहले इस तरह के कोशों को अलग अलग तरह से आइडेंटिफाई कर लेगा, उनको अलग अलग तरह से रेखांकित कर लेगा, तब वह उनका रचनात्मक उपयोग कर सकता है। इसलिए अनुवाद और कोश में पहली जो मुख्य समानता है वह यही है कि दोनों का यदि सही बोध अनुवादक के पास है तो अनुवाद सार्थक होगा। यदि सही बोध कि किस कोश का उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और अनुवाद के लिए कोश की आवश्यकता है भी या नहीं, क्योंकि अनेक बार अनुवाद करने का अनुभव यह बताता है कि हम कोश जीवी अनुवादक यदि सर्वथा हो जाएंगे तो अनुवाद के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोश के पास तभी जाना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं कि जो कारीगर होता है, कुशल कारीगर, कितना भी कुशल हो, कितना भी निपुण हो, दक्ष हो, लेकिन उसे भी अपना काम करना है तो उसे अपने औजार चाहिए, और औजार के बिना वह छोटे बड़े कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन क्या हर जगह, हर स्थल पर उसे अपने औजारों का प्रयोग करना अपेक्षित है, आवश्यक है? जब इस पर बात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि नहीं, औजार केवल वहीं चाहिए होते हैं जहां उनकी ज़रूरत हो। बिना औजार के यदि काम चल रहा है तो वह कारीगर उन औजारों का अन्यथा उपयोग नहीं करता, यही उसकी बुद्धिमत्ता है। तो अनुवाद में भी हम ऐसा नहीं हो सकता कि शब्द शब्द प्रति शब्द कोशजीवी हो जाए, कि हर शब्द का डिक्शनरी में से, ग्लॉसरी में से हम पहले अर्थ निकाल लें और फिर अनुवाद करें, तो अनुवाद कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अनुवाद अनुभव सापेक्ष होता है, अभ्यास सापेक्ष होता है। और अक्सर अनुवाद के बारे में कहा जाता है कि ये तो अभ्यास जीवी विधा है, और यह भी कहते हैं हम करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो अनुवाद में भी वही स्थिति है। इसलिए यदि हमें सार्थक अनुवाद करना है, सटीक अनुवाद करना है, मानक अनुवाद करना है, तो हमें बेशक श्रम साध्य कार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जो लेक्सिकोग्राफी है, ये जो कोश विज्ञान है, कोश कला है, कोश देखने की तकनीक है,
इन सब की भी उसे विधिवत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोष कितने प्रकार के हैं, कहां पर उपलब्ध है, किस कोष से कितना लाभ उठाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें यदि उसे ज्ञात हैं तो वह अनुवाद के साथ न्याय कर पाएगा। इसलिए विषयानुरूप, भाषानुरूप कोष चयन, इसकी समझ उसे होनी चाहिए। और कभी कभी हम जो समांतर कोष है, वो उस समांतर कोष का भी उपयोग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जिसको हम थिसोरस कहते हैं, ये थिसोरस भी एक प्रकार है कोषों का। अब थिसोरस की परंपरा अंग्रेजी में तो बहुत पुरानी है, लेकिन हिंदी में थिसोरस की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। जो थिसोरस छोटे मोटे पहले मिलते थे वो उतने कारगर नहीं थे, लेकिन बाद में एक अरविंद कुमार ने जो समांतर कोष तैयार किया थिसोरस के नाम पर हिंदी में, उसने बहुत क्रांतिकारी अपनी उपस्थिति दर्ज की, बड़ा महत्वपूर्ण बन गया। तो वह थिसोरस या समांतर कोष कैसे देखना चाहिए, वह बहुत सारे लोगों को देखना ही नहीं आता, फिर उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, तो उन सब की जानकारी भी हमें होनी चाहिए बींग ए ट्रांसलेटर, एक अनुवादक के रूप में। इसी तरह हम देख सकते हैं कि जो भाषा के जो रूप परक पक्ष हैं, जैसे शब्द का मानक उच्चारण, यह भी डिक्शनरी बताती है, क्योंकि उसमें शब्द को विच्छेद करके बाकायदा यह अलग अलग करके प्लस माइनस करके बनाया जाता है, कहीं स्टार लगाकर, कहीं चिन्ह लगाकर, कहीं उसका अर्धाक्षर देकर, कहीं सांकेतिक अक्षर देकर, और प्रारंभ में चार्ट देकर हम उनको स्पष्ट भी करते हैं। जैसे संज्ञा के लिए स और अनुस्वार लगा दिया, सन बना दिया, विशेषण के लिए वी लगाकर और उसके आगे एक डॉट लगा दिया। तो अब वी क्या है, ये इसकी व्याख्या हमने शुरू में एक चार्ट लगाकर दे दी। अब अंदर अगर हम कोटियों के साथ उसे वी यानी विशेषण के लिए वी लगा रहे हैं, क्रिया के लिए क्री लगा रहे हैं, तो यह सारी जानकारियां अनुवादक को होनी चाहिए। इसलिए वो प्रारंभ में उस चार्ट को एक बार, दो बार, चार बार देख लेता है, तो उसे ज्ञात हो जाता है कि ये जो संक्षिप्त अक्षर हैं, इनका प्रयोग कोश के अंतर्गत किस रूप में किन किन का किया गया है। इसी तरह वर्तनी की दृष्टि से, व्याकरणिक कोटियों आदि की दृष्टि से, ये सारी जानकारियाँ जो भाषा के रूप पक्ष को उजागर करती हैं, फॉर्म को उसकी उजागर करती हैं, यह भी कुशल अनुवादक को ज्ञात होनी चाहिए। क्योंकि अनुवादक सफल वही होता है, कोश युग युगांतर तक चलने वाला विषय है। ऐसा नहीं होता कि कोश एक व्यक्ति ने आज खरीदा और उसका एक वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा हुआ या कार्य सिद्ध हुआ या कोई अनुवाद का काम पूरा हुआ तो वो उसे फेंक देता है। नहीं, कोश तो ऐसी चीज़ है कि जो वर्षों बल्कि दशकों तक चलता है। हमारे दादा परदादा जो कोश इस्तेमाल करते थे, उनका उपयोग हम आज तक कर रहे हैं और हो सकता है कल हमारे बच्चे भी करें। तो कोश तो बहुत चिरंतन तरह का साहित्य है, वो ख़त्म नहीं होता अगर उसे सुरक्षित रखा जाए। ये अलग बात है कि कोशों का अपडेशन होता है, आधुनिकीकरण होता है, लेकिन इससे पुराने कोश आउटडेटेड नहीं हो जाते, वह भी महत्वपूर्ण बने रहते हैं। तो इस दृष्टि से ये जो कोशों का जो सिलसिला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुवाद के अंतर्गत माना जाता है। इस तरह अनुवाद की पूर्णता में यदि कोई भूमिका महत्वपूर्ण है तो वो कोशों की है, क्योंकि कुशल अनुवादक इनकी पहचान रखता है, उसे रखनी चाहिए। और शब्द के प्रकारों के बारे में, तद्भव है, तत्सम है, या आगत है, देशज है, विदेशी है, ये सारी जानकारियाँ भी डिक्शनरी से हमें मिल जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोश जो हैं वो कई कई तरह से अपना विस्तार करते हुए चलते हैं, और अनुवाद की दुनिया में कोश जो हैं वो बहुत ही कारगर, बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। अब शैक्षिक कोश भी होते हैं जो एजुकेशनल संदर्भों के साथ चलते हैं, टेक्निकल कोश भी होते हैं जो तकनीकी विषयों की जानकारी देते हुए चलते हैं, इसी तरह से संदर्भ कोश भी होते हैं, व्याख्या कोश भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे ज्ञान कोश भी होते हैं। तो कोशों का एक पूरा संसार है अलग से। अगर इस कोश की दुनिया में हम जाएंगे तो हमें इतना वैविध्य मिलेगा कि हमें लगेगा वास्तव में ये
ज्ञान संपदा को संचित करने का एक बहुत ही दुर्लभ क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि चाहे मामला साहित्यिक और गैर साहित्यिक हो, दोनों जगह तकनीकी और गैर तकनीकी हो, इन सब में कोशों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। और जहाँ तक भाषा के अंतर्गत इडियोमेटिक जो डिक्शनरीज़ हैं, ग्लॉसरीज़ हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको अगर हम देखते हैं, जैसे संसदीय प्रयोगों के कोश भी बने हैं हमारे यहाँ, पार्लियामेंट्री जो लैंग्वेज होती है उसमें किस तरह के मुहावरों का, लोकोक्तियों का, प्रयुक्तियों का प्रयोग होता रहा है, उनका संचय करके, संकलन करके भी संसद का ही वह प्रकाशन है और बड़ी ज्ञानवर्धक, बड़ी प्रेरक वो एक तरह की डिक्शनरी है। तो उससे भी हमें जब कभी अनुवाद करना हो, मान लीजिए संसदीय सामग्री का अनुवाद करना हो या राजनीतिक क्षेत्र में किसी सामग्री का अनुवाद करना हो, तो इस तरह की चीज़ों की जानकारी हमें वहाँ पर मिलती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि मुहावरा, लोकोक्ति, जैसे मैंने पहले कहा कि लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो लोक से ही पैदा होती हैं और लोक के जो लंबे सुदीर्घ जीवना अनुभव हैं वो उनसे प्रतिबिंबित होते हैं, तो उनको भी हम बहुत उपयोगी रूप में इस्तेमाल करते हैं, देख सकते हैं। इस तरह मित्रों, ये जो कोश कला है और इसका अनुवाद से जो संबंध है वो बड़ा अटूट संबंध है, अभिन्न संबंध है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हिंदी के कोश देखना भी अपने आप में एक टेढ़ी खीर है, अभ्यास उसका चाहिए। समस्या यह होती है कि जो अनुवादक होता है उसे हिंदी का कोश देखने का अभ्यास अधिक नहीं होता, या वो उससे बचता है, या उसे यह लगता है कि हिंदी तो मैं जानता ही हूँ इसलिए इसका तो काम चल ही जाएगा। लेकिन ऐसा वस्तुतः होता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी कोश देखने की जो वैज्ञानिकता है, जो अपेक्षा है, वह क्या है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लें, ताकि अनुवादक के रूप में जब हम अनुवाद करना चाहें तो हिंदी डिक्शनरीज़ को, हिंदी ग्लॉसरीज़ को कैसे देखना है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह कि हमें वर्ण क्रम का बोध होना चाहिए। हम जानते हैं कि बहुत बार हम बहुत उच्च शिक्षा तक आते आते अपने वर्ण क्रम की पूरी व्यवस्था ही भूल जाते हैं, हमें वो स्मरण ही नहीं रहता है, क्योंकि उससे हमारा जो संबंध है वो प्राइमरी एजुकेशन तक रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो डिक्शनरी देखने के लिए पहली ज़रूरत यह है कि हमें वर्ण क्रम पूरा याद हो, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, मात्राओं की स्थिति क्या है, हम उनका किस तरह से प्रयोग करते हैं और क्रम आदि क्या है। और फिर हिंदी के कोशों का और संस्कृत के कोशों की जो निर्माण कला का क्रम है या व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए हमें हिंदी की अगर डिक्शनरी को देखने की बात करनी है तो हम उसी व्यवस्था को ध्यान में रख के आगे चलेंगे। इस तरह से जब हम हिंदी कोशों में शब्दों को, उसकी वर्णमाला आदि को देखते हैं तो किस तरह से हम शब्दों को ढूंढेंगे, चयन करेंगे, इस पर भी हमें ध्यान रखना होता है। हम ध्वनि के बाद पहले जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं, ध्वनि मूलक शब्द हैं, उनको देखते हैं, फिर उसके बाद हम व्यंजन आदि से प्रारंभ होने वाले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कोश में विशेष रूप से जो अ अनुस्वार के साथ शब्द है, वह वर्ण है, वह पहले प्रयोग में आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि कंकड़ और किनारा, कंकड़ और कपट, मान लो दो शब्द हैं, तो क्या पहले आएगा, यदि इस पर विचार करना हो तो मित्रों कोश क्रम में, हिंदी कोश क्रम में कंकड़ पहले आएगा, क्योंकि अनुस्वार की जो शब्दावली है वह उसमें पहले व्यवस्थित की जाती है, बाद में जो बिना अनुस्वार वाले हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और फिर उसके बाद जो इनके बिना शब्द बन रहे हैं वह आएंगे, और उनका क्रम फिर वही होगा जो हमारी वर्णमाला का क्रम होता है। फिर इसके बाद अनुस्वार के बाद चंद्र बिंदु वाले, जिनको हम अनुनासिक वाले शब्द कहते हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं, और इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो आधे वर्ण वाले शब्द हैं उनको कहाँ रखें, तो आधे वर्ण को पूरे वर्ण के पश्चात लिया जाता है, प्रारंभ में नहीं लिया जाता। इसलिए जैसे गज शब्द है और ग्वाल शब्द है, तो हम गज को पहले लेंगे और ग्वाल को उसके बाद लेंगे। तो यदि हमें खोजना है डिक्शनरी में
तो हम पूर्ण वर्ण को पहले देखेंगे और फिर उसके अर्धवर्ण को उसके पश्चात देखेंगे, फिर उसी क्रम से वो मात्रा आदि के आधार पर बदलता चला जाएगा। आधे वर्ण के समान ही संयुक्त वर्ण को भी, जो ज्वाइंट हमारे वर्ण हैं, जैसे क्षत्रिय में क्ष है, त्र है, ज्ञ है, इनको यदि हमें देखना है तो हम पूर्ण वर्ण के पश्चात ही इनकी प्लेसमेंट या इनका स्थान निर्धारित हिंदी कोश में करते हैं, तो उसी रूप में उनको हमें खोजना या देखना होता है। कोशकार प्रारंभ जो जब डिक्शनरी बनाता है कोई कोशकार, तो बिल्कुल प्रारंभ में एक संकेत सूची वह देता है। इस संकेत सूची को हमें बार बार देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ यह संकेत होते हैं कि कोश के अंदर जो जिन भाषिक कोटियों का उल्लेख है उनके जो एब्रिविएट हैं, संक्षिप्त अक्षर हैं, वो यहाँ पर उनको दिया है और इनको इस रूप में हमें कोश के अंतर्गत पढ़ना है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हमें उनके पूर्ण रूप जानने हैं तो हम बाहर दिए गए उस चार्ट में, उस सूची में जान सकते हैं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उनके पास होती है, होनी चाहिए। और इस सबके बाद हम ये भी देखते हैं कि कोश में संज्ञा अगर है तो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या अन्य किसी प्रकार की संज्ञा या अन्य किसी प्रकार की व्याकरण कोटि, इन सब का भी ज्ञान या बोध हमें कोश में अंदर और बाहर सूची में मिल जाता है। और इस सब के साथ साथ अगर वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए स्त्री, पुल्लिंग के लिए पुंग लिखा होगा, यह देखिए मान लीजिए है तो दे लिखकर केवल दे और बिंदी लगा दी, तो ये सूची में वहाँ प्रारंभ में चार्ट में होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस क्रम का निर्धारण भी हमें कोश देखते समय कर लेना चाहिए। तो मित्रों, दरअसल ये इतनी बड़ी दुनिया है कोशों की, शब्दों की, शब्द संपदा हमारे लिए बहुत बड़ी नियामक है, बड़ी भारी धरोहर है ईश्वर की दी हुई, जिससे हम अपने मंतव्य को, अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। और शब्द उन भावों को कभी कभी व्यंजित करते हैं, कभी ध्वनित करते हैं, कभी संप्रेषित करते हैं, अलग अलग तरह से हम उनसे, उनके प्रतीकों से अर्थों को ग्रहण करते हैं। तो ये जो एक बड़ी दुनिया है कोश की और शब्दों की, इसको, इन सब की रचनात्मक भूमिका अनुवाद के अंतर्गत भी मानी जाती है। अनुवादक के लिए ये बहुत उपयोगी माने जाते हैं, इसलिए अनुवादक के लिए केवल विषय का ज्ञान अपेक्षित नहीं है, केवल भाषा का ज्ञान अपेक्षित नहीं है, उसे विषय ज्ञाता भी होना चाहिए, भाषाविद भी होना चाहिए, भाषा में भी दोनों भाषाएँ आनी चाहिए, सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, और तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि उसे इस अनुवाद के साधनों की, लेक्सिकोग्राफी की, कंप्यूटराइजेशन की, क्योंकि कंप्यूटर में भी कोश उपलब्ध हैं, मोबाइल में भी कोश उपलब्ध हैं, उनको देखने की कला भी उसे आनी चाहिए, और कितने प्रकार के कोश उपलब्ध हैं इन सब की जानकारी भी उसके पास होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि अनुवादक के लिए, अनुवाद के लिए ये जो जगत है यह भी उसका परिचित होना चाहिए। इस तरह मित्रों, लेक्सिकोग्राफी को या कोश विज्ञान को और अनुवाद को जब हम जोड़कर देखते हैं तो दोनों का संबंध चोली दामन का संबंध प्रतीत होता है, क्योंकि बिना इसकी जानकारी के हम अच्छे अनुवाद नहीं कर पाते हैं। तो आज हम अपनी बात को यहाँ विराम दे रहे हैं। कुल मिलाकर जो चीज़ें आपके सामने आज हमने रखी हैं, निश्चित रूप से उनका लाभ आपको होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन का कि एक बार फिर से हमें अनुवाद इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का मौका मिला, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम निरंतर वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं और प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपकी मन में जो उठी जिज्ञासा है उसको हम तृप्त कर सकें। डॉक्टर टंडन, जो जितने भी स्टूडेंट्स हमें इस लाइव डिसेट लेक्चर के माध्यम से देख रहे होंगे या फिर यूट्यूब के माध्यम से इन लेक्चर्स को देखेंगे, उनके मन में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा ज़रूर उत्पन्न होगी कि हम अनुवाद तो सीखें, अनुवाद इस कोर्स को करें, पर कहाँ से करें,
इसके लिए अगर आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जो अनुवाद सीखना चाहते हैं, अनुवाद के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कहाँ से पढ़ सकते हैं? जी जी जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। दरअसल यही आजकल दिन भी हैं अनुवाद के, जो प्रवेश आदि प्रारंभ होते हैं, तो बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो विश्वविद्यालय स्तर पर भी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अनुवाद का एक पाठ्यक्रम चलता है और इन्हीं दिनों में वहाँ प्रवेश होते हैं। ऐसी भारतीय अनुवाद परिषद एक संस्था है जो विगत 50 साल से ज़्यादा उसकी जो समय है लंबा वो हो चुका है, और वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एक वर्षीय अनुवाद डिप्लोमा वह संस्था चलाती है, और वहाँ से पिछले लगभग 30 साल से लगातार बहुत सारे विद्यार्थी अनुवाद का डिप्लोमा लेकर रोजगार के क्षेत्र में हिंदी अधिकारी, अनुवादक, वरिष्ठ कनिष्ठ या इंटरप्रेटर आदि इन क्षेत्रों में जाते हैं। तो वहाँ भी प्रवेश आजकल प्रारंभ है और जुलाई के महीने में ही वहाँ प्रवेश होता है और चल रहा है इन दिनों में। इसी तरह नई दिल्ली सांध्यकालीन हिंदी संस्थान एक संस्था है जो भारतीय विद्या भवन के अंतर्गत काम करती है, उसमें भी अनुवाद का डिप्लोमा चलता है एक वर्षीय, वह भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। तो जैसे अनुवाद परिषद है वो दिल्ली के केंद्र में बिल्कुल कनॉट प्लेस के पास है, बंगाली मार्केट में, भारतीय विद्या भवन भी केंद्र में है, और ये बहुत अच्छे स्थान हैं जहाँ पर सरकारी डिप्लोमा हम कर सकते हैं। इसी तरह दिल्ली से बाहर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अनुवाद डिप्लोमा चलते हैं, इग्नू में भी अनुवाद का डिप्लोमा जो ओपन लर्निंग सिस्टम के माध्यम से चलता है, तो इस तरह से बहुत सारे स्थान हैं वहाँ पर अनुवाद में प्रवेश हो सकता है। और विद्यार्थियों को, क्योंकि ये बहुत भाषा और साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, तो उन्हें ज़रूर इस दिशा में पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर टंडन द्वारा बताए गए जितने भी संस्थान हैं जहां से आप अनुवाद इस क्षेत्र में इस कोर्स को कर सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इन संस्थानों को अप्रोच करेंगे और अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे जानकारी के माध्यम से। तो मित्रों, हम यही चाहते हैं कि अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है, सुझाव हैं या फिर प्रश्न हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और अनुवाद इस श्रृंखला के अंतर्गत हम एक नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार।